हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई अमन शर्मा फिर आ चुका हूँ आपके साथ पास एक नए ब्लॉग के साथ। तो हम जा रहे हैं कुछ काम से, आपको दिखाते हैं हम किस काम से जा रहे हैं। पहली तो चीज़ ये हमको कि चलना है पहले, सबसे पहले गाड़ी में तेल भरवाने के लिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर गाड़ी में तेल ज़्यादा रहेगा तो एक हमारे घर पर बैठा हुआ है, जैसे समुंदर सोख होता है वैसे वो तेल सोख है, वो कितना भी तेल गाड़ी में वो ख़त्म कर देगा। तो हम चल रहे पहले गाड़ी में तेल डलवाते हैं और उसके बाद हम जाएंगे। अपने लिए हमको एक कैप लेनी है, ये हमारे पास तीन कैप है, एक ब्लैक, एक रेड और एक ये, पर ज़्यादातर हम ब्लैक और ये वाइट वाली सबसे ज़्यादा लगाते हैं। तो चलते हैं, दूसरी कैप भी लेनी है हमको, तो दिखाते हैं आपको हम और आगे क्या क्या होता है। और आ रहा धीरे धीरे, ये दो नोटे हमारी चली जाएंगी गाड़ी के पास तेल डलवाने के लिए। काश ऐसा होता कि गाड़ी पानी से चलती तो कितना अच्छा होता, हमारे पैसे बचते। हमने पैसे पहले ही हाथ में इसलिए ले लिए हैं ताकि अब इससे मोह ख़त्म हो जाए इन पैसों से हमारा। और अब हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। हाँ, पेट्रोल है, तेल तो डलवा लिए हम और अब निकल चुके हैं। जितनी बार वीडियो में ऐसे ट्राइसेप देख रहा हूँ ना, मज़ा आ जा रही है हमको। और जो जल रहे हैं जलो मादर चोद, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बाकी जो प्यार दे रहे हैं प्यार दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ कुछ है ना जो जलते भी हैं। सब तो आपको प्यार कर नहीं सकते। एक इंस्टा पे वो चला है ना कि सबको पसंद आ जाऊं, पैसा थोड़ी हूं कि सब लोग पीछे पड़ जाएं। नहीं, कुछ है ना जो प्रोटीन खाता है, प्रोटीन खा बॉडी बनी है। अरे तो तुम लोग भी खाओ, ज़्यादा गाली नहीं देंगे वरना हमारी माई भी ब्लॉग देखेंगी तो वो हमको गरियाएंगी, इसीलिए माई को जस्ट बच गए हमारे, नहीं फिर हम एक कर देते दोनों। पहुंच चुके हम धीरे धीरे भूतनाथ मार्केट पे और यहाँ पे हमको हमारी अब चलना है टोपी लेने के लिए। तो यहाँ पे मिल जाएगी, प्रिंस भाई प्रिंस स्पोर्ट्स वाला है, उसके यहाँ जो भाई हैं भूतनाथ पे वो जान रहे होंगे कि यहाँ प्रिंस स्पोर्ट्स की दुकान है, वहाँ पे मिल जाती है सब। तो हम फर्जी वाला नहीं करेंगे ना कि सामान ले भूतनाथ मार्केट से और जाके फिर वो सामान ले खड़े हो जाए प्लासियो पे। गाइस, मैंने प्लासियो से सामान लिया तो वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ तो साला जब भी आइए तब भी हमेशा मेले का माहौल रहेगा, कभी भी आइए तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मेला ही लगा है। आज थोड़ा कम ट्रैफिक है पता नहीं क्यों, वरना इतना ज़्यादा जाम रहेगा कि गाड़ी आपको रोड पर या तो पार्किंग में लगा के जाना पड़ेगा, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। तो प्रिंस भाई के यहाँ पर उनकी शॉप बंद है, तो हम चलते हैं आगे। काम तो हुआ नहीं, हमारा आना बेकार हो गया, काम तो हुआ नहीं, तो अब हम जा रहे हैं, चलते हैं कुछ खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या खाते हैं। कुछ अच्छा हेल्दी खाएंगे हम, क्योंकि बहुत मुश्किल से सब तैयार हो रहा है मामला, तो हम नहीं चाहते कि थोड़े से लालच के लिए ख़राब हो जाए। तो चलते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं या पीते हैं अच्छा कुछ, आपको भी दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मजा लीजिए आप भी ब्लॉग में। कब बैठ चुके हैं कैफे में हम क्या अकेले हैं, तो हमने ऑर्डर किया चिकन फ्राई अपने लिए, तैयार होने वाला होगा तो दिखाते हैं आपको। आता है तो कुछ हेल्दी खाना था तो इसलिए हम लोग खा रहे हैं चिकन का जो है, उसको क्या बोलते हैं पता, हमने देखा चिकन है तो हमने ऑर्डर कर लिया। अब उसको खाते हैं और मिलते हैं आपको उसको खाने के बाद गाड़ी में, क्योंकि वो बहुत तेज़ लग रही है। खा तो उतना लिया कि पूरी गर्दन फूल हो गई, गर्दन तक खाना आ गया है। रात में तो अब खाना नहीं खाएंगे हम, तो जो काम के लिए निकले थे वो काम तो हुआ नहीं, पर हमको रास्ते में कुछ जिम का सामान दिखाया तो एक प्लान है, वो आपको हम बताएँगे। तो फिलहाल हम चल रहे हैं, पहले वो चीज़ हम पता करते हैं क्या है, कैसे सिस्टम, पूछने में क्या जाता है, आपको दिखाते हैं अंदर, ले चलते हैं आपको भी साथ में। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब कुछ बंद ही है, ये हमको यहाँ जाना था ये भी बंद ही है, तो चलते हैं उधर तरफ भी एक शॉप है वहाँ पे चलते हैं। गए थे हम और इसलिए हमने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि अभी उस चीज़ को हम पब्लिकली नहीं करना चाहते हैं, बताएंगे आपको धीरे धीरे, जब टाइम आएगा तो पता ही चल जाएगा। क्योंकि काम शांति से करो और कामयाबी को शोर मचाने दो, कुछ सुन के ये कह रहे होंगे ओम पो, पर जब होगा तब पता चलेगा। ऐसे क्या ही बोले, जब तक कोई चीज़ नहीं हुई होती है तो आदमी, अगर आप उसके बारे में कुछ कहेंगे तो इंसान आपका मजाक हर चीज़ बोलेगा, पर जिस दिन आप वो चीज़ कर देंगे तब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे।
तो हम अपना काम करते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा। आप सब तो भाई हैं हमारे, लव यू। और जो ये दो चार हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी सबके लिए नहीं है। जो जो अपने ले रहा होगा तो उसी के लिए, हाँ तुम्हारे ही लिए। ऐसे भी हम खा करके इतना पछता रहे हैं कि हम बाहर क्यों खा लिए, पर भूख इतनी तेज़ लगी थी कि कंट्रोल नहीं हुआ, तो मजबूरी में ही खाना पड़ा एक तरह से। खैर चलते हैं घर, फ़ोन आया था घर से कि खाना तैयार हो चुका है, चल के देखते हैं घर पे क्या बनाया। वैसे हम खाएंगे नहीं, बस फल होगा अगर तो वही खा लेंगे थोड़ा बहुत, वरना नहीं खाएंगे। आकर बैठ चुका घर पे अपने, और घर पर अंडा बना हुआ है तो हम तो खाएंगे नहीं खाना, क्योंकि हम बाहर ही खा चुके हैं, तो बिल्कुल भी हम नहीं खाएं। और बस हम थोड़ा सा नींबू पानी पी के और सो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, हम सुबह जाना है जिम हमको, तो चलते हैं सोने के लिए। घर पे सब लोग खाना खा भी चुके हैं, तो चलिए आपसे मिलते हैं कल सुबह हम, तब तक इंतज़ार करिए। अभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, सोकर उठ चुके हैं हम और निकल चुके हैं हम अपने जिम के लिए। 8 बज गए और रात में तो भाई इतनी बुरी लाइट कटी तो मतलब 2-3 घंटे तक लाइट ही नहीं आई, तो गर्मी में एकदम बेहाल हो गए, सोना होना सब कुछ एकदम दुर्भर हो गया। खैर अब कैसे भी करके उठे, और आज इसीलिए जब हमको जिम में भी लेट हो गया, 8 बज चुके और अब हम घर से निकल रहे हैं, वरना इतने टाइम तक हमारा आधी एक्सरसाइज हमारी हो चुकी होती है। खैर निकलते हैं हम। अब हमारा ये पहला सेट शुरू होगा और इसके हमको 3 सेट लगाने हैं, और वेट उतना ही रखें जितना आपसे आराम से हो सके, ये नहीं कि बढ़ा के लगाएं। और पोजीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सही रहे, ऐसा नहीं कि वेट हैवी उठाने के चक्कर में आप गलत पोजीशन में लगाएं। तो 3 सेट तो हमारे हो गए उसके, और बहुत हालत ख़राब है। पहले ही सेट में इतनी ज़्यादा उमस भी है कि पूरा को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ये डाइट हमको बराबर बताया करते हैं। आज हमको क्या खाना होगा साहब? आज पनीर वनीर खा लेना भाई, पनीर खाना है आज। तो यही हमारी डाइट पूरी लिखते हैं कि हमको क्या क्या खाना है। बॉडी तो इनकी देख रहे हैं आप, ये हमसे पूछ रहे थे कि वीडियो आपने डाली नहीं, हमने कहा कि आप हमारे वीडियो के थंबनेल पे हैं, ऐसा मत किया कि हमने वीडियो नहीं डाली। फ़ोन में भी यही हम लोग खोल के बैठे हैं। ये रहे हमारे वकील साहब, आपको दिखाते हैं, ये इधर है साइड में, ये थंबनेल पे ही है। तो ये जो जो डाइट हमको बताते जाएंगे हम आपको बताते रहेंगे, आप लोग भी फॉलो करिए, आप लोग भी फॉलो करिएगा। बसता है तो पता नहीं क्यों हमको अंदर से आग लगती है एकदम, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो पे कॉपीराइट आ गया था गाने की वजह से।
और अब हमको चलना है फूल लेने के लिए, क्योंकि आज थर्सडे है, पापा फोन भी आया था, तो हम यहाँ जल्दी से अपना प्रोटीन पी के और निकलते हैं फूल लेने के लिए। निकल गए हम और अब हम चल रहे हैं फूल लेने के लिए मंदिर पे सीधे। और पूरी आज मैं अपना अंदर की वेस्ट लाना भूल गया था जिम में, तो इतनी ज़्यादा ये पूरी टी शर्ट मेरी भीग चुकी है, वरना मैं ज़्यादातर वेस्ट ही पहन के वर्कआउट करता हूँ। आज भूल गए, क्या कर सकते हैं, भूल गए। फूल ले लिए हम और अब निकल रहे हैं वापस घर के लिए। तैयार होकर हम निकल चुके हैं और हम कहाँ जा रहे हैं आपको दिखाते हैं, और साथ में हमारे ये भी है, इसको हम आगे उतार देंगे अपने शोरूम पे, कुछ इसको काम है वहाँ पे, तो ये हमारे साथ पैदल जाने का ही है, पर हमको कह रहा है कि हम गाड़ी से चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है चलो हमारे साथ ही। हम चल रहे मूवी देखने के लिए, अचानक ही मन हुआ तो हम सोचते कि चलते हैं मूवी देखने के लिए, तो पृथ्वीराज मूवी हम देखने जा रहे हैं। आपको नहीं दिखा पाएंगे, आप टिकट लेके देखिएगा, वरना हमारा यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाएगा। तो चल दिए हम नीचे पार्किंग में जा रहे हैं सिनेपोलिस के। अकेले ही लिफ्ट में, तो इस समय उनको कोई कैमरा लगा है, कैमरा दिख रहे होंगे हम, तो चलते हैं। टिकट हम ऑनलाइन ही बुक कर चुके हैं, तो बस थर्ड फोर्थ फ्लोर मूवी हॉल आ गया और ये हमारी लिफ्ट खुल भी गई, कोई नहीं है यहाँ पर। आकर के हम बैठ चुके हैं और सबसे मजेक बात यह है कि सब लोग अपने यहाँ परिवार के साथ, पार्टनर के साथ आते हैं और हम अकेले ही काफ़ी हैं। तो अभी 12:02 हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं, और 12:15 से हमारी मूवी शुरू होगी। पहले हम वेब जाने वाले थे पर वहाँ पे हम लेट हो गए पहुँचने में, तो अकेले बैठे हैं, लेते हैं मज़ा। तो आ चुके हैं मूवी देखने के लिए, अब आपसे मिलते हैं मूवी जब ख़त्म होती है तब। मूवी हो गई ख़त्म और हम चल रहे हैं। बहुत अच्छी पिक्चर थी, शुरुआत में बोरिंग लग रही थी पर आखिरी में ज़बरदस्त एकदम, और बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई कि पृथ्वीराज चौहान जी ने जितने भी युद्ध लड़े या हिंदू जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं, जितने भी युद्ध लड़े गए हैं हिंदू राजाओं के थ्रू या हिंदू राजाओं महाराजाओं के, उससे वो सारे युद्ध ईमानदारी से लड़े गए, उसमें भी यही दिखाया गया। वरना रात में अगर पृथ्वीराज चौहान के जो दिखाया गया है मूवी में इसमें, कि रात में अगर गौरी हमला ना किया होता तो पृथ्वीराज चौहान उससे कभी हारते भी नहीं। और खैर आखिरी में तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन था, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी की महानता। तो हम जा रहे हैं साथ में नारियल पानी लेके और निकलते हैं हम घर। हम आ चुके हैं घर और उधर ये मोबाइल चला रही हैं घर, इनके पास और कोई काम नहीं, दिन भर उससे मोबाइल चलाया करती हैं। ये हमसे इनको कुछ सीखना चाहिए कि घर का काम करें, हम अपना काम खुद करते हैं, अपना बर्तन खुद मांजते हैं खाने के बाद। देखो यहाँ भी कह रही हैं, तो सबको मैं यही चाहूँगा कि हमारी तरह बने, अपना काम खुद करें, दूसरे के भरोसे ना रहे जैसे ये हैं, ये हमारा कोई काम नहीं करते, अपना कपड़ा हम खुद धुलते हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे इसी के साथ ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक जहाँ भी रहिए खुश रहिए मस्त रहिए, और हम तो इनके साथ आई हैं।